स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। आज हम पोटेशियम पर मैग्नेट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। उस कैटेगरी में पहला बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? वो है व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये लिखा हुआ है, क्या होता है। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और लगा है, इन KMnO4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 दो इट इज कलर्ड कंपाउंड, एक्सप्लेन। इन KMnO4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 दो इट इज कलर्ड कंपाउंड, एक्सप्लेन। वो कह रहा है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 7 है, फिर भी ये कलर कंपाउंड क्यों है। बच्चों क्वेश्चन का डिटेल में जाएंगे, अब समझिए। देखो बेटा, पहले KMnO4 को अगर आप देखें, KMnO4 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, K की वैल्यू 1, Mn निकालना है 4O का -2 के हिसाब से -8 -0 x +7। मैंने यहां पे साफ करके दिखाया कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, जैसा कि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, ठीक। अब वो कह रहा है ये कलर्ड कंपाउंड है। आप कहोगे कलर्ड है तो आपको क्या दिक्कत है सर, कलर्ड से क्या दिक्कत है? कलर से दिक्कत है, क्यों दिक्कत है अभी आपको समझ में आएगी। देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर +7, Mn का नंबर होता है 25, कितना 25 नंबर है Mn का। जरा 25 नंबर को बनाइए आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ Mn 25 का। अब इस पर प्लस का 7 चार्ज है, +7 होने से क्या रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन 4s में से जाएंगे, 5 3d में से जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4s0 3d0। साफ साफ नजर आ रहा है जब Mn +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास 3d0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि d सबशेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। अब सोचो अगर उसकी d सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, ये मिटा लूं ऊपर वाला जिससे पूरी डिटेलिंग दे पाऊं। देखो बेटा, अगर डी सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या असर पड़ेगा, बात समझना। देखो इसकी 5 डी ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी शुरू में क्या है, इक्वल। लिगेंड के अटैक करने पर ये कितने सेट में टूट गई, 2 में, एक T2G सेट, एक कौन सा सेट है T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल है, और दूसरा ईजी सेट जिसमें 2 ऑर्बिटल है। ये ईजी सेट है और ये T2G सेट है। अब सोचो इसके अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब है 5 डी ऑर्बिटल खाली है, 3 और 2 के सेट में टूटी तो T2G भी खाली है और ईजी भी खाली है। अब अगर इस पर सनलाइट गिरे तो सनलाइट गिरने पर इलेक्ट्रॉन T2G से कहां जाते हैं, ईजी में। इसे बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशन। तो जब T2G पूरी खाली पड़ी है, EG पूरी खाली पड़ी है, तो बताओ DD ट्रांजिशन होगा कैसे? सनलाइट आई तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि T2G खाली पड़ी है, EG खाली पड़ी है, तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से, तो इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाए, है ना। और हमें मालूम है अगर DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो पूरी सनलाइट वापस लौट जाएगी, और सनलाइट में कितने कलर होते हैं, 7, VIBGYOR विब्योर, और विब्योर के 7 कलर को मिलाकर कौन सा कलर बनता है, व्हाइट। तो इसके कंपाउंड का कलर होना चाहिए व्हाइट, जबकि KMnO4 का कलर होता है पर्पल, व्हाइट नहीं होता है, कौन सा होता है, पर्पल। जब इसमें DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो इसे व्हाइट कलर कंपाउंड होना चाहिए, पर्पल कलर का नहीं होना चाहिए। अब पर्पल कलर का क्यों है,
जानना चाहेंगे पर्पल कलर का है क्यों ये बात जो आपको मैं इसका आंसर दूंगा, ये आईआईटी में भी पूछी गई है और एम्स का भी क्वेश्चन है। इसकी वजह है चार्ज ट्रांसफर। क्या वजह है? चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। कहोगे वो क्या सर, समझ में नहीं आई बात। बेटा ऐसा होता है जो KMnO4 है, देखो ये बता रहा हूं थोड़ा सा, KMnO4 के अंदर जो Mn होता है ना, इस पर चार्ज होता है, अभी मैंने बताया प्लस का 7, और O पर होता है माइनस का 2, इस वाले O पर माइनस 2, इस वाले Mn पे प्लस का 7। दोबारा बोलो, Mn पे प्लस का 7, प्लस का 7 और O के पास माइनस का 2। जब Mn पे प्लस 7 चार्ज होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D0। क्या होगा? D0 कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ या ना? D0 में इसे कैसा होना चाहिए? वाइट कलर। लेकिन होता क्या है, ये O अपना चार्ज इसे देता है, किसको? Mn को, चार्ज का ट्रांसफर करता है। आप कहोगे चार्ज का ट्रांसफर करता है तो उससे क्या होगा? उससे Mn प्लस 7 की जगह प्लस 6 कंडीशन में आ जाता है, यानी O से एक इलेक्ट्रॉन इसे मिलता है, तो ये प्लस 7 से प्लस 6 हो गया और O बदल के हो जाता है माइनस 1। अब ये प्लस 7 से क्या हो गया? प्लस 6। प्लस 7 था तो इस पर कॉन्फ़िगरेशन था D0, प्लस 6 होते ही इस पर कॉन्फ़िगरेशन आ गया D1 आ गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, वो इलेक्ट्रॉन T2G में गया, सनलाइट पड़ने पर वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर EG में चला गया। देखो यहां से यहां आया, सनलाइट पड़ने पर यहां से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो अब व्हाइट लाइट में से एक कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी जो 6 कलर बचेंगे उनकी मिक्सिंग से कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा? पर्पल। इसीलिए इसका कलर KMnO4 का पर्पल होगा। तो क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि KMnO4 के अंदर Mn प्लस 7 वाला था, उसने O माइनस 2 से एक इलेक्ट्रॉन लिया, O माइनस 2 से एक इलेक्ट्रॉन लेने पर Mn प्लस 7 से प्लस 6 हो गया और O माइनस 2 से माइनस 1 हो गया। जब Mn प्लस 7 से प्लस 6 हुआ तो उसका कॉन्फ़िगरेशन D0 से D1 हो गया। D0 से D1 होते ही उसमें कलर प्रोड्यूस हुआ और वो कलर आया पर्पल। तो KMnO4 में वैसे हम सोच रहे थे व्हाइट कलर कंपाउंड होगा और ये बना कैसा? पर्पल कलर कंपाउंड। और इसके पीछे वजह है चार्ज का ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू Mn एटम। चार्ज का ट्रांसफर हुआ कहां से? ऑक्सीजन से Mn पर, इसलिए ऐसा हुआ। उम्मीद है ये सारा समझ में आया होगा। पूरा देख लीजिए, ये साफ दिखाया है कि O माइनस 2 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, खुद O माइनस 1 हो गया, ये प्लस 6 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन जो पहले D0 था, जब ये Mn 7 था ना प्लस का 7, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन था, अब वो बदलकर D1 हो गया जब ये प्लस 7 से प्लस 6 हुआ। इसकी वजह से DD ट्रांजिशन हो गया, DD ट्रांजिशन होने से इसका कलर पर्पल आया। ओके प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं सारा? तो इस टॉपिक में मैंने समझाया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या ये बताया कि KMnO4 पर्पल कलर कंपाउंड क्यों होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ये हटा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेयर रीजेंट? बेयर रीजेंट क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बेयर रीजेंट? व्हाट इज बेयर रीजेंट? बेयर रीजेंट क्या होता है? बेटा इसका आंसर है 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन। 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर रीजेंट। इज कॉल्ड क्या? बेयर रीजेंट। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? नहीं समझ पाए तो समझो, क्वेश्चन कह रहा है बेयर रीजेंट क्या होता है ना? इसे हिंदी में बोलते हैं बेयर अभिकर्मक। तो जानना चाहता है बेयर अभिकर्मक क्या है? मैंने आंसर दिया 1% सॉल्यूशन बना लो KMnO4 का,
1% कैसा सॉल्यूशन बनाना है, एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब है आप KMnO4 पानी और NaOH लो, यानी पानी में हल्का सा NaOH घोलो उसमें KMnO4 घोल लो, तो 1% जो सॉल्यूशन बनेगा एल्केलाइन KMnO4 का उसी को बोलते हैं बेयर सीरीजेंट। क्या बोलते हैं? बेयर सीरीजेंट। तो बेयर सीरीजेंट क्या है? 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 3, पानी, KMnO4 और NaOH, उसे बेसिक करने के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हो गया व्हाट इज बेयर सीरीजेंट। उम्मीद है आप सारा पढ़ पा रहे हैं। यहां से क्या लिखा है? 1% एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बेयर सीरीजेंट। ओके रहा, इसके साथ ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब KMnO4 से रिलेटेड बाकी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें देखेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सारा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।